कन्हान से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अम्मा की दरगाह कन्हान नदी के किनारे स्थित है। नदी में अगस्त 28 एवं 29 को आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस नुकसान में जहां दरगाह की पूरी सीढ़ियां टूटकर जर्जर हो गई, वहीं दरगाह को पानी के कटाव से बचाने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार भी टूटकर जमींदोज हो गई। समस्या की जानकारी मिलने पर आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, पंचायत समिति सभापति मीना कावड़े सहित अन्य प्रमुख लोगों के द्वारा क्षेत्र का दौरा कर दरगाह में हुए नुकसान को प्रशासनिक मदद देकर सुधार की बात कही गई, परंतु 4 माह होने के बाद भी अभी तक शासन एवं प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। हुजूर सरकार ताजुद्दीन औलिया का जन्म स्थान नदी के वो साइड है और वो अक्सर अपने जीवन काल में इधर पूरा घूमते थे नदी के किनारे, और आपकी यहाँ बैठक भी बाबा सरकार की चप्पे चप्पे पे आपकी बैठक है। उसी प्रकार से जो नदी के किनारे बाबा के जो रीठे के झाड़ के नीचे बैठक बनी हुई है उसको भी खतरा हो चुका है। जिस प्रकार से नदी में ऐसे झाड़े भय है तो अब ये भी झाड़ को बहुत खतरा है, और इस खतरे के वजह से और अम्मा हुजूर का जो दरबार है वो भी 15 फीट ही रह चुका है नदी के किनारे से, तो कभी भी दोनों स्थान को बहने का बहुत डर हो चुका है। इसी प्रकार से प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि वो नदी के किनारे सुरक्षा बीम प्रोटेक्शन वॉल बनाने का पे ध्यान दे और दरबार को बचाए। 2-3 महीने पहले बाढ़ आ चुकी है, उस बाढ़ में काफी नुकसान हो चुका है, तो उसके लिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ और सभी भक्तजनों से और जायरीनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब सहयोग करें और इसमें मदद करें। हजरत मरियम अम्मा साहेबाचा स्थान इथे गाडीगाडी इथे आहे आणि राज्य शासनाच्या आता देवस्थान जे उघडण्यात आली मागच्या सोमवारी त्याच्यामुळे भाविकांची गर्दी इथे होत असते, पण आलेल्या पुरामध्ये इथलं खूप नुकसान झालं आहे आणि त्या नुकसानामुळे येणाऱ्या भाविकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। तरी राज्य शासनाने आणि आपत्ता व्यवस्थापनाने याकडे लक्ष द्यावे अशी या इथे येणाऱ्या सगळ्या भाविकांची विनंती आहे। कन्हान से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित अम्मा साहेब की दरगाह, जहां पर अगस्त 28-29 को भयंकर बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में जहां दरगाह का भारी नुकसान हुआ है, वहीं पर राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार सहित जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, मीना कावड़े सहित अन्य लोगों के द्वारा दौरा किया गया। बाढ़ का जायजा लेने के पश्चात 3 से 4 माह हो चुके हैं, परंतु इस समस्या की ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कैमरामैन विवेक पाटिल के साथ विमल त्रिपाठी, NBCN न्यूज, नागपुर।